तभी संदेश ले जाके भोग लगाते हैं, संदेश ले जाते हैं। आज भी मधुबन में कोई भी काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बाबा को पूछ के करते हैं। देखो 2 साल पहले हार्ट वालों का हॉस्पिटल बना रहे हैं, सबने कहा हॉस्पिटल बनना चाहिए, सब तैयारी हो, बाबा को पूछा, बाबा ने कहा क्या है अभी अंदर ने हर काम कब कहा है ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, यहाँ कोई मनुष्य गुरु कोई नहीं, सब बाबा के हम बच्चे निमित्त बच्चे। तो आज भी सब कुछ डायरेक्शन, क्या करना क्या नहीं करना कैसा करना, सब कुछ ईश्वर के डायरेक्शन के अनुसार चलता है। हर बार बाबा से पूछ करके, देखो जानकी दादी भी लंदन भी कहीं जाती है, मैसेज देते दे, पूछते दे, गुलजार दादी को संदेश देते दे, मैसेज देते दे, पूछ के बताओ, बाबा को पूछ के हर कार्य करते हैं, तब इसका नाम है ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तब बाबा ने कहा अगर बाबा को पूछ के कुछ भी करते हो तो बाबा है, अगर बाबा को कुछ आपने कुछ किया तो आप जिम्मेदार। तो इसके लिए जीवन में कोई समस्या कोई कुछ बात आती है तो किसको पूछे, कौन मिलता है नहीं इसको पूछे, दुविधा है। ये करो कि ये मुरली में भी बाबा कभी कुछ कहता बच्चे ये करो, कल कहता ऐसा करो, है ना, तो क्या करें क्या नहीं करें। तो इसके लिए कभी भी पूछना है ना, दुविधा में नहीं आना। इसी का मुरली क्लास सुनने, मुरली सुनने के बाद भी कोई बात समझ में नहीं आती है तो सीधा इधर से जाओ बाबा के कमरे में बैठो, बाबा आपने कहा मैं टीचर हूं, बाप भी हूं, सब गुरु भी है, बाबा आज आपने मुरली में ये कहा इसका अर्थ क्या है, ये हम अपने जीवन में कैसे रहे, कुछ अगर आप कुछ करके क्या करो, बात करते नहीं रहना, प्रश्न पूछने के बाद एक से एक दृष्टि देते चुप हो गए, जितना आपका मन शांत है कुछ विचार नहीं कर रहे, आंखों से बाबा को देखते रहते हो, आपको विचार आएगा बच्चे इसका अर्थ ये है, ये ऐसे करो नहीं, इनको पूछो किसी का चित्र दिखाई देगा, इनको पूछो ये आपको जवाब देंगे। तब का हर चीज बाबा को पूछे, अगर आज कुछ जवाब नहीं मिला ठहरो, कल फिर कहा कहना बाबा आपने कहा हर बार मुझे पूछ के करो, आपको कल बताया था आपने जवाब ही नहीं दिया, पूछो तीसरी दफा पूछो, 2-3 दिन के अंदर मुरली के अंदर जवाब आएगा, जिसकी बुद्धि की लाइन बुद्धि मन बुद्धि स्वच्छ है तुरंत टचिंग होता है, कभी किसी किसी को समझ में नहीं आता है कि बुद्धि इतनी स्वच्छ नहीं, बाबा जवाब देता है नहीं समझ में आया कल मुरली में आएगा, नहीं तो परसों कोई ना कोई आपको जवाब किसी के द्वारा बाबा समझाएगा, वो बाबा की जिम्मेवारी है। एक बार बाबा को बताया वो आपको आज नहीं तो कल किसी न किसी द्वारा समझाएगा, तो बाबा को बताओ कभी भी कोई भी चीज है बाबा के कमरे में बैठो।